हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आई होप कि इस क्वारंटाइन पीरियड में आप इंडिपेंडेंस डे अच्छे से सेलिब्रेट करें। तो चलिए मैं जो आपके साथ आज रेसिपी शेयर कर रही हूँ उसके इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जैसे कि हाफ टेबल स्पून सौंफ, हाफ टेबल स्पून जीरा, दो यहाँ पे मैं तेज़पत्ता यूज़ कर रही हूँ, साथ ही हाफ टेबल स्पून क्रस्ट कोरिएंडर सीड और मैं हाफ इंच सिनेमन स्टिक यूज़ कर रही हूँ। तो जब ये तेल आपके गर्म हो जाएंगे तो ये जो सारे खड़े मसाले हैं आप उसमें ऐड कर दें, और साथ ही मैं यहाँ पे लगभग हाफ टेबल स्पून हींग ऐड कर रही हूँ। हींग मेन इन्ग्रीडियंट है, उसे आप डेफिनेटली यूज़ करें। साथ ही मैं यहाँ पर कुछ क्रस्ट जिंजर ली हूँ, ये जिंजर मैंने ग्रेट कर लिया था। अगर आप चाहे तो यहाँ पे पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे सब कुछ को है ग्रेट ही किया है, तो मैंने इसे भी ग्रेट करके यूज़ किया है। साथ ही मैंने यहाँ पे लगभग दो मीडियम साइज़ टमाटो यूज़ किया है, उसे मैं अच्छे से ग्रेट कर ली हूँ। याद रखिएगा जो टमाटो आप इसमें यूज़ कर रहे हैं उसे आपको ग्रेट ही करनी है, पेस्ट मत ऐड करिएगा, वरना ये जो सब्ज़ी उसकी टेक्स्चर अच्छी नहीं आएगी। उसके बाद मैंने दो ग्रीन चिली ऐड किया है, और उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ, नॉर्मल रूटीन वाले मसाले। तो मैंने 1 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर यूज़ किया है, 1/2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे टर्मरिक पाउडर यूज़ किया है, और 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पे कोरिएंडर पाउडर यूज़ कर रही हूँ। इन सभी को आप अच्छे से मिक्स कर लें। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो मैं इसमें थोड़ा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून सॉल्ट लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। इसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और साथ ही मैंने यहाँ पे 3 बॉइल्ड आलू लिया है, ये मैं अनइवन इसको है ना हाथ से फोड़ ली हूँ। तो कुछ जो आलू है उन्हें आप थोड़ा बड़ा रहने दें, कुछ आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में आप तोड़ लें और फोड़ लें हाथों से, ये काफ़ी अच्छी लगती है। साथ ही मैंने यहाँ पे 1/2 कप पानी ऐड कर दिया है। अब मैं इसे लगभग 10 मिनट के लिए बॉईल करने दूंगी। ये भंडारा स्टाइल आलू की सब्ज़ी है जो कि आप किसी भी फास्ट में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे प्याज और लहसुन यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसे आप अच्छे से मिक्स कर लें। 10 मिनट हो गई है तो अभी मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। तो कसूरी मेथी आप इसमें 2 टेबलस्पून ऐड करें। जो कसूरी मेथी है और धनिया पत्ती जो है उससे इसकी टेस्ट काफ़ी अच्छी आती है। फिर मैं इसे लगभग 5 से 10 मिनट के लिए बॉईल करने दूंगी। जैसे ही अच्छे से बॉईल हो जाएगा मैं इसमें 1/2 टेबलस्पून गर्म मसाला और ये जो धनिया पत्ती है उसको ऐड कर लूँगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और लगभग हमारी सब्ज़ी बन कर के तैयार है। इसे मैं 5 मिनट के लिए बॉईल करने दूँगी, और मैं इसे एक बाउल में जब ये रेडी हो गया है तो सर्व कर लियो। मैंने यहाँ इसे पूरी के साथ यूज़ किया है, और मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप इसे पूरी के साथ ही खाएँ। ये बहुत ही डिलीशियस और इंस्टेंट इजी सी रेसिपी है, जो कि आपको जब मन करे तब आप बना सकते हैं। ये तुरंत बन जाती है, अगर आपके पास बॉइल्ड आलू है तो सब्ज़ी बनने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगी। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी, प्लीज़ ट्राई दिस रेसिपी एंड डू लेट मी नो इन कमेंट्स कि आपको ये कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू सून विथ न्यू रेसिपी।